ये है टेक्नो गेमर्स का हार्डकोर फार्म और आज की इस वीडियो में हम लोग इस फार्म को विजिट करेंगे, साथ ही साथ इसको डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं। ओवरऑल इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो पहले से ही वो जो लाइक का बटन है उसे दबा दो और सब्सक्राइब को तुमने किया ही नहीं होगा तो यार सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। ये हुई ना बात। ओके, यहाँ पे मैं उज्जवल भाई के घर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे नेदर का जो आर्मर है वो है, बट मेरे पास ऑलरेडी नेदर का आर्मर है तो मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है। बट यहाँ पे चेस्ट है भाई, काफी सारी चेस्ट है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। भाई कुछ भी नहीं है भाई, इतना बड़ा चेस्ट रखा ही क्यों है भाई। और यहाँ पे मैं सिर्फ सामान देखने नहीं आया हूँ भाई, इनको डिस्ट्रॉय भी करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं नहीं छोड़ने वाला इन सारी चीजों को। यहाँ पे शीशे भी हैं तो इनको भी मैं तोड़ने वाला हूँ। लगना चाहिए भाई यहाँ पे कोई आया था भाई, हमारे आने का थोड़ा तो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और भाई उज्जवल भाई का तुम फार्मलैंड देखो भाई, हवा में बना रखा है। बट यहाँ पे मैंने इसे तोड़ दिया और यहाँ पे पूरा पानी पानी आ गया है, बट मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ आराम से। और भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो गाइस कितने सारे क्रॉप्स लगाए हुए हैं इन्होंने, बट हमारे लिए तो अच्छी बात है भाई, हमें तो फ्री के क्रॉप्स मिल गए। और यहाँ पे तुम लोग देखो उज्जवल भाई ने कुछ ये बना रखा है और वहाँ पे तुम लोग सामने इसकी साइड में देखो लीवर भी लगा रखा है। पता नहीं इससे क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, बट ये जो भी काम करता हूँ भाई मैं तो इसे तोड़ने वाला हूँ भाई। थोड़ा डिस्ट्रक्शन तो यहाँ पे भी मचाना चाहिए। और सामने की साइड में उज्जवल भाई ने एक टावर बना रखा है जिसके अंदर मुझे कुछ विलेजर्स और ज़ॉम्बीज दिख रहे थे। ऊपर जाके देखते हैं भाई ऊपर में ऐसा तो क्या है। और सामने की साइड में यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बी दिख रहा है, बट मेरे पास नेदर का आर्मर है तो मेरे को ज्यादा डैमेज तो नहीं कर पाएगा। और वहां पे देखो दो विलेजर्स भी हैं जिनके लिए वहां पे बेड लगाया हुआ है और उनको बाहर ना आने देने के लिए यहाँ पे पत्थर वगैरह लगा के रखे हैं। और शीशे भी तुम लोग देख रहे हो कैसे कैसे लगा रखे हैं उज्जवल भाई ने, बेचारे विलेजर्स को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। बट मैं यहाँ पे इनको जाने दूंगा। अरे भाई तुम लोग जाओ यार, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम लोग मेरे सामने मत आओ, तुम लोग यहाँ से निकलो जल्दी। और यहाँ से तुम लोग देख रहे हो क्या ही तो मस्त व्यू आ रहा है, ये पूरा फार्म दिखता है यहाँ से। तुम लोग यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो और राइट में भी तुम लोग देख सकते हो। भाई साहब ये कितना मस्त सा फार्म है यार। मैं भी गाइस अपनी सर्वाइवल सीरीज जब स्टार्ट करूंगा या फिर कोई भी सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो भाई मैं भी बनाना चाहता हूँ भाई। मस्त है यार ये, एकदम मस्त। बाकी ऊपर की साइड में यहाँ पे नेदर लगा रखा है, पता नहीं इसके ऊपर क्या है, मैं इसे तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे पानी पानी आ गया भाई, पूरा पूरा यहाँ पे पानी पानी आ गया। मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मुझे ऊपर जाना है भाई। चलो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, गाइस यहाँ पे लावा लगा रखा है इन्होंने, देख रहे हो। तो चलो यार यहाँ से नीचे चलते हैं और दूसरे फार्म को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं हम लोग। ओके, तुम लोग सामने की साइड भी देखो भाई, क्या ही तो मस्त फार्म है, बट इसको मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यहाँ पे भाई साहब कितनी सारी चीजें लगा रखे भाई उज्जवल भाई ने यहाँ पे। और भाई साहब इतने सारे क्रॉप्स का करेंगे क्या ये लोग। ऊपर के साइड पे भी एक ब्लॉग है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। और भाई देखो पूरा पानी पानी लगा रखा है भाई, मैं क्या ही बोलूं, बट जो भी है यार ये खत्म हो चुका है तो ये ठीक है, कोई नहीं। और इस फार्म को मैंने पूरा पानी पानी कर दिया और यहाँ पे भी उज्जवल भाई ने कुछ पानी के लिए लगा रखा है। और इसके ऊपर ही साइड में ना एक ट्री लगा रखा है, बट जो भी है यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये बनाया ही क्यों है। मतलब यहाँ से आपको पानी तो मिल जा रहा है, बट ऊपर में उस पेड़ को कैसे मिलेगा पानी, पता नहीं यार ये क्या लॉजिक है। बट जो भी है यार इसको भी मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ यहाँ पे। बाकी इस वर्ल्ड के अंदर ना उज्जवल भाई ने भाई एक से एक चीजें बना रखी है, मैं यही बोलूँ मस्त मस्त चीजें हैं यार, मेरे को देख के भाई जलन हो रही है। बाकी तो यार अच्छी वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।